आज वोटिंग आप लोगों ने किया है, किस मुद्दे को देखते हुए किया है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अमित शाह और सॉरी मोदी योगी अमित शाह जैसा कोई नेता नहीं है इस देश में, पहली बार मिला है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी कमल पे अपना बटन दबा रहे हैं। हर क्षेत्र में मैं घूम के देख चुका हूँ। और आप इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचार भी पहले से कर रहे हैं, तो उम्मीद क्या है आपकी इस बार? इस क्षेत्र में बृजेश पाठक जी का कोई टक्कर नहीं है, 1 लाख से ऊपर वोटों से वो जीतेंगे। और हम लोग तो इतनी मेहनत किए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से बृजेश पाठक जी जीतें। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पूरे प्रदेश से, मैं ये अपील करता हूँ कि आप प्रत्याशी का चेहरा मत देखिए, मोदी योगी अमित शाह को देखिए और कमल पे बटन दबाइए। आपका क्या कहना है, आप वोट करे हैं किस मुद्दे को लेकर? विकास सुशासन के मुद्दे पे वोट किया है हमने। आपने? विकास के ऊपर वोट कर रहे हैं और पूरी जनता हमारी विकास के ऊपर वोट कर रही है। उन्होंने हम लोगों को उन टाइमों पे ध्यान दिया है जिन टाइमों पे कोई भी नेता अपने घरों में बैठे हुए थे, उस समय योगी जी हम लोगों की सेवा में लगे हुए थे। आज हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी भी सेवा में लगें। आप जी वोट किए हैं किस मुद्दों को लेकर किए हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय मुद्दा, सबका साथ सबका विकास। तो इस सरकार में सब भी जितनी जनता है, हर व्यक्ति जाति धर्म सबका विकास हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ऊपर से लगा भारतीय जन औषधि केंद्र, जिसमें हर व्यक्ति, हर गरीब, हर मरीज, वो किसी जाति धर्म का हो, वहाँ अगर आप बीमार जाते हैं, ये नहीं पूछा जाता आप किस जाति के हैं, वहाँ उसका इलाज होता है। और वो इलाज बहुत ही कम पैसे में, वहाँ दवाइयाँ, जो आदमी दवाई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो भारतीय जन औषधि केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री की योजना के तहत वहाँ पर आपको जो 100 रुपये की गोली थी वो 10 रुपये में मिलने लगी है, जो 10 की है वो 1 रुपये की मिलती है। इतने सस्ते दवाइयों पर आदमी अपना इलाज कर रहा है, घर घर चूल्हा जल रहा है और सबका विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं। आप देखिए पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल हमारे माननीय योगी जी ने बिछा दिया है, देश को हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, हमारी दिशाएं चारों तरफ से सुरक्षित हैं। आप आर्मी फौज देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हमारे प्रधानमंत्री नेता मोदी जी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, इस ग्लोबल नेता को हम हमेशा, जब तक हम लोग रहें, हमें समर्थन करना चाहिए। हमारा देश आगे, हमें देश पहले चाहिए, और जब हमारा देश सशक्त और मजबूत हाथों में है तो हमें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति समझ रहा है, आज आप जिससे भी पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे घर में मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे, मोदी जी मेरा साथ दे रहे। जो बुजुर्ग चल नहीं पा रहे वो कह रहे हैं मुझे ले जाइए, मैं मोदी जी को वोट डालूंगा, क्योंकि मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे राशन खाने का मिल रहा है, मेरे खाते भी जी ने बिछा दिया है, देश को हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं, हमारी दिशाएँ चारों तरफ से सुरक्षित हैं। आप आर्मी फौज देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर हमारे प्रधानमंत्री नेता मोदी जी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, इस ग्लोबल नेता को हम हमेशा, जब तक हम लोग रहें, हमें समर्थन करना चाहिए। हमारा देश आगे, हमें देश पहले चाहिए, और जब हमारा देश सशक्त और मजबूत हाथों में है तो हमें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति समझ रहा है, आज आप जिससे भी पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे घर में मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे, मोदी जी मेरा साथ दे रहे। जो बुजुर्ग चल नहीं पा रहे वो कह रहे हैं मुझे ले जाइए, मैं मोदी जी को वोट डालूंगा, क्योंकि मुझे पेंशन मिल रही है, मुझे राशन खाने का मिल रहा है, मेरे खाते में पैसा आ रहा है। और जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल पढ़ाया जा रहा है, उनको फ्री में बस्ते दिए जा रहे हैं, कॉपी किताब दिए जा रहे हैं। और सड़कें देखिए, आप पहले जाने के लिए कैसा, आज चारों तरफ से आप प्रदेश में देख लीजिए, आप सड़कें, पुल, एक नीचे से ज़मीन बनी है, एक ऊपर से बनी है। मेट्रो देख लीजिए, आप लखनऊ में मेट्रो हो गया, आपका कानपुर में हो रहा है, सारे शहरों में मेट्रो, अस्पतालों में व्यवस्था देख लीजिए। आज से 10-15 साल आप जब अस्पतालों में जाते थे तो खड़े होने में बिल्कुल डर लगता था कहीं बीमारी ना पकड़ दे, आज आप जाइए हर रूम एसी है, हर व्यक्ति के घर में एसी है, सारी सुविधाएं हम लोगों को दी जा रही हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को ये कहने की आवश्यकता है, वो खुद देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और सब वोट जो है देश के नाम पड़ रहा है और प्रदेश के नाम पड़ रहा है, प्रदेश का विकास और आगे हो और देश और उन्नति करे, हिंदुस्तान सब में सिरमौर हो, टॉप में हो, दुनिया का दादा हिंदुस्तान बने, हमें चाहते हैं उसके लिए मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, उनकी सरकार बने। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास के नाम पर जो है वोट दिया जा रहा है और जनता, आम जनता भी यही देख रही है, सबका साथ सबका विकास, ये स्पष्ट रूप से पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में दिखाई पड़ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत के सभी मोदी योगी साहब ने इतना बढ़िया बनाया है कि सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। हमारा जो है मोदी योगी ने जो भी सुविधाएं दी उसमें किसी का भेदभाव नहीं किया है, कोई भी किसी जात का, किसी धर्म का हो, किसी भी प्रकार का, एक जरा भी एक मात्र जो है तिनका भी भेदभाव नहीं है, सब सबको बराबर सुविधाएं दी जा रही हैं, इसलिए पूरी जनता मोदी योगी के साथ है।
और हमको उम्मीद है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार प्रचंड बहुमत से जो है बनाएगी। आज आपने वोट किया है, किस मुद्दों को लेकर वोट किया है? हमारे प्रधानमंत्री ने इतना, पहले तो घर के लोगों जेंट्सों को मतलब जो है हर तरह से मतलब प्राथमिकता दी जाती थी कि सब, हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा मतलब हम लोग अब लेडीज़ों के लिए इतना सब कुछ किया है, औरतों के लिए जैसे कि योजनाएं भी बहुत सी दी है, उज्ज्वला योजना दिया है, बेटी पढ़ाओ और जो है बहुत सारी इतनी योजनाएँ दी है जो हम महिलाओं को, हम तो यही कहेंगे कि हमारी यही सरकार आनी चाहिए और जो है बस बीजेपी की, योगी जी की। हर जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं आप लोगों ने, वो उंगली तो लगाई है।